पहले एक नज़म सुनाऊंगा, धरती माँ। इस धरती माँ को है बचाना, पौधे लगाकर इसे सजाना, रोकनी है जंगल की कटाई, नक्शा है एक नया बनाना, अच्छी बातों को अपनाना, धरती को है स्वर्ग बनाना। खुश्की में हरियाली उगाओ, बूंद बूंद पानी बचाओ, एक तामीरी सोच बनाओ, छोटे बड़े सबको अपनाओ, देखता रह जाए ये ज़माना, धरती को है स्वर्ग बनाना। बन जो बचेंगे पानी मिले, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस धरती को हम सब ने मिलकर एक स्वर्ग की सूरत बनाना है जिसका कोई सानी नहीं। देखने में तो ये आ रहा है कि आए दिन पेड़ काटे जा रहे हैं, धरती को बंजर की सूरत बनाया जा रहा है और जंगलात के जंगलात ख़त्म हो रहे हैं। जब ये जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, हरियाली ख़त्म हो जाएगी, तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी क्या हालत होगी। इसे बड़े गंभीरता के साथ समझने की ज़रूरत है। अगर इसको समझते हैं तो समझ लीजिए ये हमारी अपनी ही नहीं बल्कि हम सभी की भलाई कर रहे हैं, और ना समझे तो हम अपने भी और सभी की तबाही कर रहे हैं, सभी को तबाही की धारे में लिए जा रहे हैं। तो इस बात को गंभीरता के साथ समझने की ज़रूरत है कि तबाही को नहीं बल्कि हम तामीरी राह पर चलें, सभी की वो राह जिसमें सभी का भला हो। उस भले को बनाने के लिए यही है कि धरती माँ की रक्षा करें, इस धरती को बंजर होने से बचाएं, जंगल की कटाई रोकें जहाँ तक हो सकता है। अगर कहीं ज़रूरतन हमें एक पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी जगह दो नहीं चार नहीं बल्कि 10 लगाएं, क्योंकि उनको भरने के लिए पनपने के लिए और बड़े दरख्त बढ़ने के लिए एक वक्त लगता है, और 10 लगाएंगे तो मुमकिन एक थोड़ा सा तवाज़ुन कायम रहेगा। उस तवाज़ुन को कायम रखना हम सब की ज़रूरत है और हम सब का ये फरीज़ा है। हम सब इस फरीज़े को समझें, इस नेक काम को अपनाएं, नेक